नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y20G वर्सेस Infinix Hot 11s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Vivo Y20G में 6.47 इंच जबकि Hot 11s में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Vivo Y20G में 3 इंच जबकि Hot 11s में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Vivo Y20G में 0.33 इंच जबकि Hot 11s में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Vivo Y20G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Vivo Y20G में 192.3 ग्राम जबकि Hot 11s में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo Y20G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Vivo Y20G में 20:9 जबकि Hot 11s में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Vivo Y20G में 6.51 इंचेस जबकि Hot 11s में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Vivo Y20G में 720x1600 और Hot 11s में 1080x2480 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Vivo Y20G में 81.57% जबकि Hot 11s में 84.06% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Vivo Y20G में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Hot 11s में 399 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Vivo Y20G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Hot 11s की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Vivo Y20G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Hot 11s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही 12 नैनोमीटर है। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G52MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Vivo Y20G में MediaTek Helio G80 और Hot 11s में MediaTek Helio G88 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 4GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 64GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Vivo Y20G में 2 कलर्स जबकि Hot 11s में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Vivo Y20G 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 12,380 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Hot 11s की तो वो 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y20G में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Hot 11s की तो उसमें 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है।
मेन कैमरा में हॉट 11S आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A33 2020 है, दूसरा इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले है, तीसरा शाओमी रेडमी 9 पावर है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाओमी रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।